नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी खबरें और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाइना को भारत के सामने झुकते हुए देखना चाहते हैं और माफी मांगते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज ही मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे दोस्तों कि क्या अगर चीन से भारत की जंग हुई तो क्या पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर देगा। दोस्तों जवाब देंगे आपको इस खबर का, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तान को भारत की दो टुक। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा भारत ने बताएंगे आपको, साथ ही बताएंगे जहां पर अमेरिका को चेतावनी देने के लिए चीन ने साउथ चाइना सी में दागी दो कैरियर किलर मिसाइलें, जिसको लेकर अमेरिका का नया बयान आया है। जी हाँ दोस्तों, चाइना को बताएंगे क्या कहा अमेरिका ने उस बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तान के आतंकवादियों को लेकर अब तक की क्या सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, और क्या निर्णय लिया गया है दाऊद और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादियों को लेकर। सारी बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपके सारे डाउट को पूरा करेंगे दोस्तों कि चीन से भारत के साथ अगर जंग हुई तो क्या पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर देगा। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि हां ऐसा हो सकता है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि इसलिए भारत की सेना को और मजबूत होने की जरूरत है। आपको बता दें अमरिंदर सिंह का कहना है कि मैं जो कह रहा हूं उसे याद रखा जाएगा, अगर चीन से जंग होती है तो वो केवल भारत और चीन के बीच नहीं होगी, ये जंग बहुत कपटपूर्ण होने वाली है, चीन के साथ पाकिस्तान भी आएगा। लद्दाख में चीन अपनी ताकत दिखा रहा है लेकिन भारत भी ठोस जवाब देगा। गलवान में चीन ने कोई पहली बार ऐसा नहीं किया है, 1962 की जंग में भी गलवान में चीन आया था, लेकिन हम भी 1962 के नहीं है, हम लोग 2020 के और नए भारत के नागरिक और नए भारत के हमारे सैनिक हैं जो चाइना और पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, और आप अमरिंदर सिंह के बातों का कितना समर्थन करते हैं ऐसे माहौल में दोस्तों, बिना राजनीति किए, बताइएगा जरूर दोस्तों। और आपसे भी ये सवाल है कि चीन से अगर भारत की जंग हुई तो क्या पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर सकता है दोस्तों, हाँ या ना, जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या विचार है आप लोगों के इस खबर को लेकर। एक और खबर की ओर चलें, तो पाकिस्तान को भारत की दो टुक, पर्याप्त साक्ष्य दिए, अब मुंबई और पुलवामा हमले के दोषियों को सजा दो। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्रालय की तरफ से उसके प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को प्रेस वार्ता में कई अहम मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने इस दौरान चीन के साथ विवाद, पाकिस्तान में आतंकी दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी, पुलवामा हमले की चार्जशीट और वंदे भारत मिशन पर भी ताजा जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, श्रीवास्तव ने कहा पुलवामा हमले की चार्जशीट 1.5 साल की जांच के बाद दायर की गई थी, इसके तहत आतंकवाद के अधिनियम के अंतर्गत जघन्य अपराध करने वालों अपराधियों को सजा दिलवाना मकसद है। हमारा उद्देश्य केवल बयान या अधिसूचना जारी करना नहीं है, पाकिस्तान के साथ सबूत साझा करने के बयान पर उन्होंने कहा आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली थी, उसके सरगना और मुखिया पाकिस्तान में है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमले का मुख्य अभियुक्त मसूद अजहर को पाकिस्तान में लगातार सुरक्षा दी जा रही है। हमने पाकिस्तान के साथ पर्याप्त सबूत साझा किए हैं लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि ये भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान ने 2008 के मुंबई हमलों के अपराधियों के खिलाफ अभी तक कोई विश्वसनीय कार्रवाई नहीं की। ऐसे में दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या पाकिस्तान कभी इन आतंकवादी वाले मुद्दे पर खुलकर बात कर सकता है दोस्तों, और सच्चाई को सामने और आतंकवादी की सच्चाई बता पाएगा कभी, हमको तो नहीं लगता दोस्तों। आप क्या मानते जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिका को चेतावनी देने के लिए चीन ने साउथ चाइना सी में दागी दो कैरियर किलर मिसाइलें, जिसको लेकर विवादित समुद्री एरिया में अमेरिका बोला हम डरने वाले नहीं है चीन के बैलिस्टिक मिसाइल दागने से। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शस्त्र नियंत्रण के लिए अमेरिका के विशेष दूत एस विलिंग्सली ने कहा है कि अगर चीन को यह लगता है कि बैलिस्टिक मिसाइलें दागने से अमेरिका डर जाएगा तो वो
पूरी तरह गलत है। आपको बता दें कि ब्लिंग्सली ने ट्विटर पर कहा कि अगर चीन को लगता है कि बैलिस्टिक मिसाइलें दागना किसी तरह अमेरिका और हमारे सहयोगियों देश को भयभीत करना तो वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। उन्होंने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में एक समाचार की तस्वीर भी जोड़ करके उसमें कहा है कि चीन सेना ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए दक्षिण चीन सागर में 2 मिसाइलें दागी है, जिसको लेकर आपको बता दे दोस्तों कि अमेरिका का साफ बयान है कि हम चीन के बैलिस्टिक मिसाइल से बिल्कुल डरने वाले नहीं है। अगर चाइना सोचता है कि अमेरिका डर जाएगा तो वो सपने देख रहा है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है इस पर? क्या चाइना के इस छोटे से वार से भारत जैसे देश या अमेरिका जैसा देश डर जाएगा दोस्तों? बताइएगा जरूर। और भारत और अमेरिका को किस प्रकार से रिटेलिएट करना चाहिए बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो करतारपुर कॉरिडोर से खबर है, 260 मीटर लंबा पुल बनाएगा पाकिस्तान। जीरो लाइन पर भारत पाकिस्तान के बीच हुई है बैठक। जी हां दोस्तों, करतारपुर कॉरिडोर में 260 मीटर लंबे पुल के निर्माण को लेकर गुरुवार को पाकिस्तान इंजीनियरों का एक शिष्टमंडल जीरो लाइन पर पहुंचा। इस पुल का निर्माण पाकिस्तान को कराना है। भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच बैठक भारत द्वारा बनाए गए पुल पर हुई। इस मौके पर पाकिस्तानी इंजीनियरों की टीम ने बनने वाले पुल का सर्वे किया। दोनों पक्षों के बीच 1 घंटे तक मीटिंग चली। पाकिस्तान के 4 इंजीनियर और भारत की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 2 अधिकारी समेत BSF यानी सीमा सुरक्षा बल के आला अधिकारी बैठक में शामिल हुए थे। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान और भारत के बीच ये 260 मीटर लंबा पुल बनाना सही होगा दोस्तों, हाँ या ना बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो ईरान 2 संदिग्ध परमाणु स्थलों के निरीक्षण की अनुमति देने पर हुआ सहमत। बता दें ईरान की ओर से संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी के निरीक्षकों को उन 2 संदिग्ध जगहों पर जाने की अनुमति देने पर सहमति जताई गई है जहां पर अघोषित परमाणु सामग्री के भंडारण करने या उनका उपयोग करने का शक जताया जा रहा है। इस घोषणा के कुछ देर बाद ही ईरान के कट्टर दुश्मन अमेरिका को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा जब संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामिक गणतंत्र पर दोबारा अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने वाली विवादास्पद बोली को अवरुद्ध कर दिया। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां आपको बता दे कि चीन के साथ तनाव के बीच दुश्मनों पर निगाह रखने को इसराइल से अवेकस खरीदेगा भारत। 200 करोड़ डॉलर होंगे इस पर खर्च। जी हां दोस्तों, लद्दाख में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ जारी गतिरोध के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 फैल्कॉन हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली अवेकस के अधिग्रहण को अगले सप्ताह की शुरुआत में पूरा करने के लिए तैयार है। भारत के पास 360 डिग्री पर घूमने वाले रोटोडोम लगे 3 फैल्कॉन अवेकस और DRDO निर्मित 2 अवेकस हैं। वहीं चीन के पास 28 और पाकिस्तान के पास 7 हैं जो विपरीत परिस्थितियों में हवाई हमले को कमांड देने के काम करता है। जी हां दोस्तों, ऐसे में भारत पूरी तरह से चौकन्ना और बिल्कुल सतर्क हो गया है दोस्तों चाइना को लेकर। इस पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को अगली बार अगर किसी भी तरीके से चाइना का छोटा भी गलती नजर आता है दोस्तों तो भारत को नहीं छोड़ना चाहिए चाइना को? बताइएगा जरूर दोस्तों, अगर आप भी यही मानते हैं तो। एक और खबर की माने तो पाकिस्तानी लेखक का कहना है कि पाकिस्तान को दाऊद को लेकर अब फैसला करना ही होगा। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो चीन का दुश्मन देश भारत से खरीदेगा ब्रह्मोस आकाश मिसाइल। रूस आया इसके साथ। बता दे वियतनाम भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल खरीदना चाहता है। इसके लिए अब तक बाधा थी रूस की सहमति, क्योंकि इस मिसाइल को रूस और भारत ने मिलकर बनाया है, लेकिन अब रूस ने इस मिसाइल के निर्यात की अनुमति दे दी है। अब भारत की ये शानदार मिसाइल वियतनाम में तैनात हो सकेगी। इससे दक्षिण चीन सागर में चीन को थोड़ा संभल कर रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी भारत पर गर्व करते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से अन्य देश भी भारत से मिसाइल सिस्टम खरीद रहे हैं दोस्तों, इस पर अगर आप भी मोदी सरकार का दिल से समर्थन करना चाहते हो दोस्तों, दिल से थैंक यू करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिका ने कसा चीन की 24 कंपनियों पर शिकंजा, करती है चीनी सेना की मदद। जी हां दोस्तों, चीनी कंपनियों पर अमेरिका की सख्ती बढ़ती जा रही है। अमेरिका के वाणिज्य विभाग के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सिक्योरिटीज ने चीन की 24 कंपनियों को उस सूची में शामिल किया है जो चीन की सेना की मदद
करती है। वहीं विदेश विभाग ने इन कंपनियों से जुड़े लोगों पर वीजा पाबंदी भी लगा दी है। इसमें अगर आप मानते हैं कि अमेरिका ने सही कदम उठाया है दोस्तों, तो बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो आपको बता दे कि चीन की खराब किट ने स्वीडन के हजारों स्वस्थ लोगों को बता दिया कोरोना पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सच में चाइना के किसी भी सामान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपका क्या मानना है इस पर बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो तुर्की के खिलाफ यूएई ने भेजे 4 F-16 फाइटर प्लेन, जिसको लेकर बड़ा संकट गहराया दोस्तों। एक और खबर की माने तो रिपब्लिकन अधिवेशन में बोली मेलानिया, कहा देश को ट्रंप के नेतृत्व की है जरूरत पहले से कहीं ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में रिपब्लिकन राष्ट्रीय अधिवेशन के मौके पर राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी मेलानिया भी मंच पर उतरी। उन्होंने चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में आवाज बुलंद की और कहा, ट्रंप सिर्फ पारंपरिक राजनेता नहीं बल्कि देशवासियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये लड़ाई जारी रहेगी। मेलानिया ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन से लोगों को अपील की कि वे उनके पति को ही चुने। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या दोबारा से ट्रंप को ही राष्ट्रपति बनना चाहिए दोस्तों, हाँ या ना? जरूर बताइएगा। देखते हैं आप लोग किसको बनाना चाहते हैं राष्ट्रपति। एक और खबर की माने तो MEA का कहना है, अफसोस की बात है कि पुलवामा मामले में आरोपी जैशे सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में पनाह लिए हुए है। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या मानना है इस पर बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो सुप्रीम कोर्ट का देश भर में मुहर्रम जुलूस की अनुमति देने से इनकार, कहा लोगों की जान खतरे में डालने का आदेश नहीं दूंगा। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम जुलूस निकालने के लिए अनुमति देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह ऐसे आदेश पारित नहीं करेगा जो इतने लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दे। साथ ही लखनऊ स्थित याचिकाकर्ता को अपनी याचिका के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि वो पूरे देश के लिए एक सामान्य आदेश कैसे पारित कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और वी. राम सुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि इससे एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जाएगा और अराजकता फैलेगी। ऐसे में दोस्तों मुहर्रम जुलूस निकालने को जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है और लोगों की जान को खतरे में डालने से बचाया है दोस्तों, इस पर आप सुप्रीम कोर्ट के बयान का कितने प्रतिशत से सहमत दर्शाते हैं दोस्तों? 0 से 100% में एक अंक जरूर दीजिएगा। देखते हैं आप लोग कितने प्रतिशत से सहमति दिखाते हैं। एक और खबर की माने तो ड्रैगन के खतरनाक मंसूबे पर भारत की पैनी नजर, नई ब्रिगेड तैयार कर रहा है चीन। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो आर्मी चीफ नरवणे और विदेश सचिव अगले महीने म्यांमार का करेंगे दौरा, क्या चीन पर भी होगी बात? आपको बता दें, भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला अगले महीने की शुरुआत में म्यांमार की यात्रा कर सकते हैं। इस यात्रा में वे भारत म्यांमार के बीच चल रही परियोजनाओं की समीक्षा, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और कमांडर इन चीफ सीनियर जनरल मिन ऑंग हेलियाना से मुलाकात करके भारत के विद्रोहियों को लेकर चर्चा करेंगे। एक और खबर की ओर चले दोस्तों, तो UNSC में पाकिस्तान की बेइज्जती, कहा रिकॉर्ड पर नहीं रखेंगे झूठा बयान। जी हां दोस्तों, सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष इंडोनेशिया ने भारत को स्पष्ट किया कि UNSC में पाकिस्तान का बयान रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा। पाकिस्तान के स्थायी मिशन ने मंगलवार को ट्वीट करके एक झूठा बयान दिया था। ऐसे में दोस्तों ये बड़ा खुलासा हुआ है। और अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान की हर जगह घोर बेइज्जती होती है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आता है और वो आगे कभी नहीं आएगा, तो बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो हांगकांग से बड़ी खबर है कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों से जुड़े आरोपों में 16 लोग गिरफ्तार, 2 विपक्षी सांसद भी इसमें शामिल है। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो मुख्तार अंसारी की 2 मंजिला बिल्डिंग को योगी सरकार ने किया जमींदोज। बता दें, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे उमर और अब्बास की बिल्डिंग लखनऊ प्रशासन और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुरुवार सुबह फोर्स के साथ गिरा दिया। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के जियामऊ इलाके में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे उमर और अब्बास की 2 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई थी। आरोप यह है कि बिल्डिंग तकरीबन 8000 स्क्वायर फुट में अवैध तरीके से बना दिया गया था। LDAVC शिवाकांत ओझा का कहना है कि यह शत्रु निष्क्रांत संपत्ति थी और जिसका मुकदमा LDA में चल रहा था। ऐसे में दोस्तों ये योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया, इसका आप कितना समर्थन करते हैं बताइएगा जरूर।
जरूर। एक और खबर की माने तो बिहार में 50 साल से अधिक उम्र वाले पुलिस कर्मियों की होगी छटनी। एक पत्र के बाद मच गया हंगामा। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस के एक पत्र के बाद राज्य के पुलिस महकमे में हलचल मच गया। 50 साल से अधिक उम्र वाले पुलिस कर्मियों की छटनी की बातें होने लगी। दरअसल बिहार पुलिस की तरफ से 25 अगस्त को जारी हुए एक पत्र में 50 साल से अधिक उम्र वाले पुलिस कर्मियों की हर महीने कार्य दक्षता की समीक्षा करने की बात कही गई है। इस पत्र के सामने आने के बाद बिहार पुलिस एसोसिएशन ने कहा है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के अनुभवी पुलिस कर्मियों को अयोग्य घोषित कर सेवा से हटाने की साजिश हो रही है। आपको बता दें, पत्र के मुताबिक एक समिति का गठन किया गया है जो प्रत्येक महीने की 9 तारीख को 50 साल से अधिक उम्र वाले पुलिस कर्मियों की समीक्षा करेगी। पुलिस कर्मियों के कामकाज की समीक्षा मुख्यालय स्तर पर की जाएगी। अगर वो अपने काम में दक्ष नहीं पाए गए तो उनको जबरन रिटायर्ड कर दिया जाएगा। पत्र में सभी जिलों के एसपी और रेल एसपी को निर्देश दिया गया है। ऐसे में दोस्तों, आप इस कदम को कितना सही मानते हैं दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो रूस सितंबर तक तैयार करेगा कोरोना का दूसरा वैक्सीन। व्लादिमीर पुतिन ने किया इसका ऐलान। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो चीनी एप्लीकेशन टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने महज 4 महीने में ही दे दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो राजस्थान सरकार पर भाजपा का हमला, कहा राजेंद्र राठौड़। राजेंद्र राठौड़ ने कहा समस्याओं से कोई सरकार नहीं। दिया कुमारी बोली 3 महीने के बिजली बिल माफ हो। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो 221 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी में सीबीआई ने हिंद एग्रो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में फिर लगाया लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पंजाब में विधानसभा सत्र से पहले कोरोना पॉजिटिव विधायकों की संख्या में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर पंजाब में फिर से एक बार लॉकडाउन लगा दिया गया है। दोस्तों अब राज्य में 29 विधायक कोरोना की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंदर सिंह ने गुरुवार को सभी विधायकों से अपील की है कि वो कोरोना पॉजिटिव विधायक और मंत्रियों के संपर्क में आने वाले सदस्य कल एक दिवसीय विधानसभा सत्र भाग लेने से बचे। आपको बता दें, पंजाब में अब सभी दिन शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन रहेगा। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो शिक्षा सेवा के लिए बीएड की अनिवार्यता खत्म। शिक्षा सेवा नियमावली में भी संशोधन कर दिया गया। दोस्तों बिहार सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, इसको आप क्या मानते हैं बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो यूजीसी अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के आयोजन पर आज फैसला सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो कोरोना की वजह से प्रभावित हुआ जीएसटी कलेक्शन। आपको बता दें, जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये बड़ी वजह है निष्कर्ष में निकाली गई है। दोस्तों एक और खबर की ओर चले तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में 2 पहिया वाहनों पर जीएसटी दर घटाने पर कोई भी फैसला नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताते जाते जाते कि कोरोनिल ट्रेडमार्क मामले में बाबा रामदेव की पतंजलि को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट का ये नया फैसला। आपको बता दे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको बता दे, पतंजलि द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कोरोनिल ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पतंजलि की दवा कोरोनिल के नाम को लेकर मद्रास उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से पूरी तरह इनकार कर दिया। ऐसे में दोस्तों, आप बाबा रामदेव को बधाई जरूर दीजिएगा दोस्तों उनके इस नए कार्य को लेकर। साथ ही ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।